स्वागत है आपका चौक एंड डस्ट अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का अम्ल क्षार। ये हमारा एंट्रेंस जामिया के लिए हम क्लास लेकर आए हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए अम्ल। बच्चा अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सबसे पहली बात है कि अम्ल की स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं। जैसे आपके घरों में सिरका होगा, बच्चा सिरका ही क्या है, एक अम्ल है। सिरका बोल सकते हैं आप, संतरा बोल सकते हैं, बच्चा इमली भी होती है, और बच्चा बहुत सारे होते हैं। आप एक टमाटर भी ले सकते हैं, टमाटर। ये सारे के सारे क्या है, अम्ल है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे सिरका, संतरा, इमली और टमाटर। और ये तो इनके नाम है, ये इनके जो आप केमिस्ट्री में नाम लेते हैं, जिनके केमिस्ट्री में आप नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, सिरके को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एसिटिक अम्ल याद रखना है, पेपर में आ सकता है एसिटिक अम्ल। और संतरे को जो बोलते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और तीसरा जो है बच्चा इमली, इमली का नाम है टर्ट्रिक अम्ल। बच्चों हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही नाम इनके सेम हैं। ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को याद करके जाना है पेपर में कि सिरके का अम्ली नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, संतरे का अम्ल नाम क्या है, सैट्रिक अम्ल, और इमली का क्या नाम है, टर्ट्रिक अम्ल। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, बस ध्यान रखना है। अम्ल को अगर आप थोड़ा सा जाएँ तो अम्ल को इंग्लिश में एसिड भी बोलते हैं। स्वाद में जो खट्टे होते हैं उन्हीं को अम्ल कहा जाता है। और जैसे सिरका हो गया, संतरा हो गया, इमली होगी, टमाटर होगी, आदि में क्या है बच्चे, ये पाए जाते हैं। तो सिरका में पूछ सकता है वो आपसे कि इसका क्या है बच्चा, आपसे कि इसका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। संतरे का क्या है अम्ल, सिट्रिक अम्ल है। और इमली का क्या है, टर्ट्रिक अम्ल है। ये बहुत ध्यान रखने की बात। अगर आप और भी कुछ जानना चाहेंगे, और भी कुछ है बच्चा, देखो मैं भी और बता देता हूँ आपको। देख लीजिए भी एक और थोड़ी सी बात मैं भी बता रहा हूँ, थोड़ा रफ सा कर देता हूँ। देखो बच्चों, अब एक बात हो, जैसे आपने सिरका लिया, अभी संतरा लिया, इमली ली, बच्चों कई बार वो आपसे क्या है बच्चों, आपसे वो नींबू भी पूछ लेता है, आपसे क्या है वो नींबू भी पूछ लेता है, नींबू। देखो नींबू में आपसे नींबू में पूछ लेता हूँ कि नींबू में बताए, तो बच्चे याद रखना है नींबू भी सिट्रिक ही अम्ल होता है, ये ध्यान रखना, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक पूछ लेता है वो दही, बच्चों दही कहीं लिखा मिले, या वो पूछ ले खट्टा दूध, एक ही बात है, खट्टा दूध। तो दोनों में जो होता है ये ध्यान रखना है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया संतरा, बताया सिरका, बताया और इमली बताई। दो और ये हैं कि नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, वो दही बोल सकता है या वो आपके लिए क्वेश्चन में खट्टा दूध बोल सकता है। तो ध्यान रखना इन दोनों में क्या है, क्या पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना लैक्टिक पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये ध्यान रखना बस थोड़ी सी बात को।
अब देखना आगे की बात मैं बता देता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है वो, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है वो, ये अब देखो नोट डाउन करके बात लिखना है तुमने। ओह पेंसिल ही गलत ले ली। देखो नोट करके बात लिखना। एक बच्चा पेपर आता है लिटमस का, वो होता है पेपर लिटमस, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है कि अगर अम्ल को लिटमस पेपर पे डाल दे या नीले लिटमस पर डाल दे तो कैसा रंग प्राप्त होगा। बच्चा ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ये ध्यान रखने की बात है। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि नीले लिटमस पर लाल या नीले लिटमस पर डाल दे तो कैसा रंग प्राप्त होगा। बच्चा मैंने भी बोल दिया पीछे, ध्यान रखना लाल होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीला लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस बच्चा एक पेपर होता है, उस पर चेक कर लेते हैं डाल के कि ये कैसा रंग देता है। अगर उसने वो लाल कलर दे दिया तो समझ जाना आप क्या हो जाता है, वो अम्ल है। ये है अम्ल की प्रकृति। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपकी लोगों की। अब ध्यान रखो, अब मैं आपको थोड़ी सी बात को और बता देता हूँ। ये तो हुआ अम्ल के बारे में बात। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये अम्ल की खोज किसने की। बच्चा ये भी बहुत ज़रूरी है कि अम्ल का पता होना ज़रूरी है कि अम्ल की खोज कहाँ से हुई या किसने की है। देखो बच्चों, अम्ल की जो खोज की है, अम्ल जो है आपका, अम्ल की खोज लिख देता हूँ, अरहीनियस ने की है। बच्चा अरहीनियस ने कब की है बच्चा, ध्यान रखना, ये भी सन 1884 में। जब तो आप पैदा भी नहीं होंगे जब इन्हें इसकी सर्च कर दी। ठीक है बच्चा, अम्ल की खोज अरहीनियस ने की है सन 1884 में, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात ये है। और बच्चा अगर इसकी डेफिनेशन पे हम डीप में जाएं, यानी और अंदर खाने जाएं, तो ध्यान रखना मैं लिख देता हूँ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन। बच्चा जलीय विलयन का मतलब ये है जो चीज़ जल में घुल जाए, जैसे आपने नमक को डाला और वो क्या है पानी में घुल गया, जलीय विलयन। आपने नमक को डाला पानी में, वो पानी में घुल गया जलीय विलयन। जैसे कि आपने रेत को पानी में डाला वो नहीं घुलता, तो उसको जलीय विलयन नहीं कहते। तो लिखा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का मतलब है H+ देते हैं, यानी ध्यान रखना जो H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोजन H देते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं, ये ध्यान रखना, अम्ल कहलाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे समझूं, जैसे आपने HCl पढ़ा है, HCl ले लीजिए या NaCl ले लीजिए, दोनों ही एक बात है। जैसे ही आप इसको तोड़ते हो बच्चा, H+ निकल जाता है अलग और HCl- निकल जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्यों, तो इसने एक H+ दे दिया, इसी को बोलते हैं अम्ल। यानी जो ये H+ आयन का प्रदान करे, यानी दे दे अपने H को, उसी को बोलते हैं अम्ल। ये बात सबसे पहले समझ में आई, ये थोड़ा सा बात है। आप एक और ले लीजिए, लो एग्ज़ाम्पल और लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल और देखो। आपने लिखा CH3COOH, ये किसका फॉर्मूला है, ये बच्चा एसिटिक का ही फॉर्मूला है जो अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, एसिटिक अम्ल। ये सिरके का ही फॉर्मूला है, एसिटिक अम्ल को जैसे ही आपने तोड़ा H+ दे दिया और प्लस में CH3COO- चार्ज दे दिया, यानी H+ देगा ही देगा। जो अम्ल होंगे वो H+ देंगे ही देंगे, ये ध्यान रखने की बात है। बस ये बात ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं अम्ल। ये है बच्चों बस अम्ल का बेसिक सा।
कौन सा है। अम्ल की पहचान करने को मैंने बता दी गई है आपको कि क्या नीले लिटमस को वो लाल कर देता है, ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात। यहाँ तक की बात क्लियर? तो बच्चों कल हम जो हम आप अगली क्लास में क्षार पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। कल हम क्या पढ़ेंगे? क्षार का टॉपिक पढ़ेंगे, क्षार पढ़ेंगे कल हम।